नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में रेलवे एएलपी में 60,000 वैकेंसी होने के बाद आपको सीवीटी फर्स्ट यानी कि फर्स्ट स्टेज में आपको कितने नंबर लाना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताया गया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन बनकर आएगा, इस बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अब जो स्टूडेंट एएलपी की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो उनके लिए मैं अनअकैडमी पर जीएस के 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन अभी अपलोड कर चुका हूँ, मैथ की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और पिछले 6 महीने की करेंट अफेयर्स सारा कुछ प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो दोस्तों अब अगर आप अनअकैडमी से ऐड होते हैं तो आपको वहां पर काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो वैकेंसी है एएलपी और टेक्नीशियंस की 60,000 वैकेंसी हो गई, 32,000 पद अभी हाल ही में बढ़ाए गए हैं। और सीवीटी फर्स्ट में आपको कितने मार्क्स लाने हैं ये आपको बताना है। जनरल वालों के लिए आपको 40% क्वालिफाइंग है, ओबीसी वालों के लिए 30%, एससी वालों के 30% और एसटी वालों के लिए 25%। ये सारा कुछ आपका बताया गया है ऑफिशियल में। चलिए दोस्तों एक बार दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए दोस्तों, आपके जनरल वालों के लिए 40%, ओबीसी वालों के लिए 30%, एससी वालों के लिए भी 30% और एसटी वालों के लिए 25% है। ठीक है दोस्तों, और कितने गुना बच्चे निकाले जाएंगे ये आपको इसमें बताया हुआ है कि 15 गुना होंगी। जी हाँ दोस्तों, 15 गुना आपके बच्चे निकाले जाएंगे। 60,000 का 15 गुना करेंगे तो आपका 9 लाख के आसपास आएगा। तो 9 लाख जो है आपके बच्चे सेकेंड स्टेज के लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बता देते हैं आपको कि कितने जनरल ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए कितने नंबर लाना अनिवार्य है। ये रहे दोस्तों आपके, अगर जनरल वाले स्टूडेंट 50 से 55 के बीच या इससे थोड़े कम भी रह जाएं, 48, 49, 47 तो भी आपका चल जाएगा। जनरल वाले अगर 50 से, ये आपको मैं नंबर बता रहा हूँ, 75 में से आपको कितने नंबर लाना है ना कि परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट नंबर पे बात कर रहा हूँ। तो जनरल वालों की कट ऑफ आपकी 50 से 55 के लगभग ही जाएगी, बस इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। फिर आपका पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि आपका पेपर किस हिसाब से आ रहा है। ओबीसी वालों के लिए 45 से 50, एससी वालों के लिए 40 से 45 और एसटी वालों के लिए 30 से 35 या 30 से आप पूरा 40 भी मान लीजिए एसटी वालों के लिए। ठीक है दोस्तों, बस इससे ज़्यादा आपकी जनरल ओबीसी और एसटी वालों के लिए नहीं जा सकती। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये आपके नंबर यानी कि कट ऑफ मार्क्स हैं, ना कि मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ। मैं आपको परसेंटेज नहीं, नंबर बता रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, जनरल वालों के लिए 50 से 55, ओबीसी वालों के लिए 45 से 50 और एससी वालों के लिए 40 से 45 और एसटी वालों के लिए 30 से 35 या 30 से पूरा 40। ये है आपकी संभावित कट ऑफ, इससे ज़्यादा आपकी संभवता नहीं जा सकती, इतनी ही आपकी पर्याप्त है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था कि जो आपकी CB2 में सेलेक्ट होने के लिए आपको कितने मार्क्स लाना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।